नारे लगा रहे हैं, अपने आप को कांग्रेस के कार्यकर्ता बताते हैं। तो अब तक इनको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की क्या यही पृष्ठभूमि है? प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय उदय भाई, प्रश्न है कि वो अध्यक्ष होने के नाते अब तक उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? विधानसभा चुनाव के चलते पलवल में राजनीतिक माहौल काफी गर्माया हुआ है, जिसके चलते कुछ शरारती तत्व शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। हाल ही में हतीन में कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इसराइल के समर्थन में निकाले गए जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का वीडियो वायरल होते ही होडल से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर नवीन रोहिला कांग्रेस और बीजेपी को घेरती हुई नजर आई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और प्रत्याशी मोहम्मद इसराइल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग देशवासियों को बांटने का काम कर रहे हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। इस तरह के नारे कहीं भी लगाना किसी भी तरह से देश हित में नहीं है। इस तरीके से कांग्रेस जो है हमारे देशवासियों को और हमारे विधानसभा में जो है बांटने का काम कर रही है। देखिए, अमर उजाला का जो है एक ये वीडियो जो है चल रहा है, अमर उजाला ने एक ये मुद्दा उठाया, गांव रूपरेखा में माननीय उदय भान जी की अध्यक्षता में एक रैली हुई और जिसमें कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत ही निंदनीय विषय है और कहीं से भी जो है देश हित में ये कार्य नहीं लगता है। सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए ये हमारे को डिवाइड एंड रूल हमें बांटने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ पे जो संस्कृति है गंगा जमुना तहजीब हम फॉलो करते हैं और हमारे हिंदू मुसलमान भाई सभी लोग जो है मिलके रहते हैं, कभी इस तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं की है। वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय उदय भान जी, तो मैं उनसे जो है मेरा ये प्रश्न है कि वो अध्यक्ष होने के नाते अब तक उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ये जो नारे लगा रहे हैं, अपने आप को कांग्रेस के कार्यकर्ता बताते हैं, तो अब तक इनको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की क्या यही पृष्ठभूमि है? तो क्या हमारे माननीय अध्यक्ष जी केवल मोहर वाले ही अध्यक्ष रह गए हैं? कुछ उनमें साहस, कुछ उनमें जौहर भी होना चाहिए कि वो अपने लेवल पे जो चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हमारे लोगों को भटकाने का काम वो बंद करें, हमारे लोगों को बांटने का काम वो बंद करें। पता नहीं जिन्होंने ये नारे लगाए हैं वो मुसलमान है भी या नहीं, ये पूरी की पूरी कौम को बदनाम करने की और बांटने की उनकी एक साजिश है और जिसकी के हम भरसक निंदा करते हैं। और इसके साथ ही मैं जो है अपील करती हूं कि जो हमारे बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं हरिंदर जी, वो सिर्फ टिकट की राजनीति ना करें, जनता के मुद्दों से भी जुड़े, जनता के मुद्दे उठाएं। केवल टिकट लेने से जीत की गारंटी पक्की नहीं हो जाया करती है, जनता से वो कब जुड़ेंगे, कब जनता के मुद्दे उठाएंगे, ये मेरा उनसे भी प्रश्न। वहीं नवीन रोहिल्ला की प्रेस वार्ता के दौरान मुस्लिम संगठन से जुड़े सराय के पूर्व सरपंच ताहिर हुसैन भी इस घटना की कड़े निंदा करते नजर आए। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ वोट बटोरने के लिए लोगों को एक दूसरे से बांट रही हैं। उन्हें इलाके के लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। हम सभी हिंदू और मुस्लिम एक ही देश के नागरिक हैं और आपसी भाईचारे के साथ शांति से रहते हैं, इसीलिए ये गंदी राजनीति बंद करो। इसमें ये पंडित जी ये बिल्कुल गलत है, हम हिंदू मुस्लिम सब भाई एकता है, हमारा एक हमारा भाईचारा है, खाना पीना रहना आपस में हमारे एक अंचार पंचास साई एक ही होती है हमारी, और वो हमारे दुख सुख में शामिल रहते हैं, हम उनके दुख सुख में शामिल रहते हैं। जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है जी। ये हमारा आपस में मॉडल करते हमारा भाईचारा है, सब हमारे आप एक दुख सुख में शामिल रहते हो, ये बिल्कुल गलत बात है और ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। और कुछ पता नहीं वो मेव भी है कि नहीं। सुनो साहब, ये गलत मैसेज आ रहा है, गलत पड़ेगा कैंडिडेट के लिए। तो आप लोगों से क्या, हम तो इसी अपील करें कि प्यार से रहें, अपने इन रहे जो ये शरारती लोग हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।
और ये शरारती लोगों ने ऐसा काम करना नहीं चाहिए। हमारा देश है, हमारा मुल्क है, हमारी धरती है, हमारी माँ है, सब कुछ छोड़ा है हमारा वहाँ से क्या लेना देना। अब नवीन रोहिल्ला वीडियो में नारे लगाने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस साजिश का पर्दाफाश किया जाए। इसके अलावा वो होडल से भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र को भी नसीहत देते हुए नजर आईं। उन्होंने कहा कि हरेंद्र सिर्फ टिकट की राजनीति ना करें बल्कि क्षेत्र की जनता के मुद्दों से भी जुड़ें। होडल से हरिओम भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।